थोड़ा छोटा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, इसे क्वेश्चन कई बार आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे, तो आप टॉपिक को उठा लीजिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है, खड़े कर लीजिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। राज्य करे एक समर्थन, तो राज्य कितने हैं? 28 वर्तमान में। तो उसका अनुसमर्थन राज्य का कब माना जाएगा? जब आधा से ज्यादा हो जाएगा, मतलब आधा तो होना ही चाहिए, और आधा मतलब तो 50-50 हो जाएगा, इसका मतलब ज्यादा होगा तभी, तो आधे से अधिक अनुसमर्थन तभी होगा। राज्य का समर्थन अगर मान लिया जाए, किस कहा जाए कि राज्य सभी समर्थन में है, साधारण बहुमत के आधार पर समर्थन में, इसका मतलब क्या हुआ? आधे से ज्यादा यही हो गया ना, तो यहाँ पर आपका वही हो गया, आधे से एक अधिक है, राज्यों का आधे से एक अधिक, समझ गए बात को? तो ये तीन तरह की प्रक्रिया है, और बाकी इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब आप देखेंगे जो संविधान संशोधन होता है किस आर्टिकल में, दोस्तों सभी लोग बोला करें, नहीं पढ़े क्या? अनुच्छेद इतना 368, एक हथियार है किसके पास? संसद के पास, जो कि किसी भी संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करती है, किसी भी आर्टिकल में, चाहे वो फंडामेंटल ही क्यों ना हो, सब में समर्थन पाता है, शक्ति प्राप्त होती है, बशर्ते बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो, बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित ना हो, तो सब में वो संविधान संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज आपकी है, कुछ कॉन्सेप्ट है। चलिए आइए, किस आर्टिकल में, मतलब किस भाग में संविधान के? भाग 20 में आप लोगों को बता होगा, भाग 20 में दिया गया। तो चलिए कुछ उसकी बेसिक बातें जान लेते हैं, फिर आगे की चीजें देखते हैं। भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता, नम्यता और अनम्यता का और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है, अनम्यता का अनोखा मिश्रण है, इसी को कहा जाएगा कि मतलब मृदु और कठोर, आंशिक रूप से मृदु और आंशिक रूप से कठोर, ये शब्द हो गया, अनोखा सम्मिश्रण है या मिश्रण है। इसका आशय यह है कि इसमें संशोधन की प्रक्रिया, इसका आशय है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया ना तो इंग्लैंड की भांति अत्यंत लचीली है और न ही
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व कनाडा की भांति कठोर ठीक है इंग्लैंड में कहा है सरल है और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में सख्त है, आसानी से वहां संविधान संशोधन नहीं किए जा सकते। तो कुछ जगहों में भारत का जो दिखाई देगा संविधान जो है वो आंशिक रूप से कठोर दिखाई देगा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता और कहीं ये दिखाई देगा कि बहुत सरल है यहाँ पर आसानी से परिवर्तन किए जा सकते हैं ठीक है। अब नम्यता और अनम्यता का मतलब है जैसे कुछ ऐसे है हमारे यहाँ जो कठोर की श्रेणी में है, कुछ है थोड़ा आसानी से सरकार जैसे बहुमत में है यानी केंद्र सरकार, देखिए कोई सरकार जो बनती है तो इसका मतलब वो साधारण बहुमत दिए, बिना बहुमत साधारण की सरकार बना नहीं सकती है। तो वो क्या कर सकती है, बहुत सारे आर्टिकल हमारे यहाँ संविधान जो पूरा टोटल 365 आर्टिकल है उनमें से संविधान को 3 श्रेणियों में रख दिया गया, तो ऐसे समझ लीजिए उनमें जो सामान्य सी बातें हैं, जो सामान्य कामकाज की बातें हैं या सामान्य जो आर्टिकल्स हैं उनमें साधारण बहुमत के द्वारा तुरंत परिवर्तन किया जा सकता है, उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा कुछ करने की जरूरत का मतलब है कि आधा आधा ही समर्थन में आ जाए सदन के लोग तो आसानी से उसमें समर्थन कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी वो है कि जिसे विशेष बहुमत से पारित कराना होगा, और तीसरी कैटेगरी ये है कि जहाँ पर जो आधे से अधिक राज्यों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब ये हुआ कि राज्यों का समर्थन लेना पड़ेगा। और ये कहाँ पर है कि जब राज्यों के हितों की भी बातें होंगी, जहाँ राज्यों के हितों की बात होंगी वहाँ राज्यों का समर्थन लेना या राज्यों के यानी कि आप जानते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समर्थित सूची के विषय है ठीक है। तो राज्य सूची के विषय पर आज कोई काम बनाना पड़ेगा तो वो संविधान संशोधन किस पे होगा, इस पे होगा ठीक है। अगर हम लोग खासतौर से संघ सूची का जो विषय होगा संघ सूची, तो उस पर कौन साधारण बहुमत से आदोश काम बन जाएगा ठीक है। विशेष बहुमत के लिए जो होगा वो क्या होगा, समवर्ती सूची, एक व्यवहारिक समझने के लिए आपको व्यवहारिकता में देखें तो समवर्ती सूची के लिए ठीक। और राज्य सूची के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ संसद की, और संसद मतलब केंद्रीय संसद यानी कि हमारी बात हो रही है लोकसभा और राज्यसभा की, साथ ही साथ कौन मिला हुआ है महोदय राष्ट्रपति महोदय, ये हमारी संसद, हम इस संसद की बात कर रहे हैं। ये संसद को जब कोई कानून बनाना है तो अगर संघ सूची का विषय है तो वो साधारण बहुमत वाले से बना लेगा, उसमें कोई ज्यादा उसको पूछना ही नहीं है क्योंकि उसका खुद का विषय है तो उसमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है नहीं, बस वही सदन में बहुमत हो तो कर देगा। आप इसकी व्यवहारिकता को समझिएगा। फिर इसके बाद विशेष बहुमत वाला है, सॉरी विशेष बहुमत वाला है हाँ, तो वो समवर्ती सूची का यानी कि राज्य सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची दोनों के कानून बनाने वाला होगा ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप उसको मान के चलिए तो उसमें संसद कानून बना सकती है। और राज्यों के ऊपर खासतौर से राज्यों का के हितों अहितों की जब बात वाला कानून होगा तो वो ऑलमोस्ट इसी पे होगा, ऑलमोस्ट इसी पे होगा क्योंकि अभी आपने कल ही पढ़ा है और उसमें आपने देखा कि जब नगर पालिका के संबंधित कानून बना लिया केंद्र सरकार ने तो कोर्ट में मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूर्णतः खारिज कर दिया संविधान, क्यों, क्योंकि उसने राज्यों का समर्थन नहीं किया। अब वो कितने भी बहुमत की सरकार हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आंशिक लक्षण आपको वहां पर झलक आपको दिखेगी कि ये चीज है आपको, तो व्यवहारिकता में यही है। इसके अलावा जब कोई केंद्रीय विषय होता है राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा और इस तरह की बात होती है, राष्ट्रपति का निर्वाचन या कोई बड़ी बड़ी जो चीजें होती हैं उसमें भी कहीं कहीं आपको इसकी झलक दिखाई देगी। और अन्यथा की स्थिति में बाकी जो संघ सूची के विषय है उसमें साधारणता आप देखेंगे, संघ सूची के विषय में ज्यादा उसको जरूरत नहीं है, वो सीधे अपने साधारण बहुमत से कानून बना देगा। बस अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति या इस तरह की मूल चीजें ना हो तो कर लेगा उसके। और देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन भी जब बात करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि राज्य भी तो उसमें भाग लेता है, राज्य की विधानसभाएं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती हैं, तो आपको ये देखने का मिलेगा यानी कि राज्य का विषय भी हो गया, वो कहीं कहीं राज्य का भी विषय हो गया कि भाई पता चला कि अगर कोई व्यवस्था बदल दे और कहना संसद के लोग ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे जैसे वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, दोनों सदन ले लेते हैं भाग, तो उससे मतलब जो है कोई परिवर्तन हो तो जहाँ राज्य भी है, तो कहने का मतलब है कि ऑलमोस्ट वो सारे आर्टिकल लगभग आपको दिखाई देंगे, अभी आगे चर्चा करेंगे उन पर तो उससे आपको दिखाई देगा कि
वहां पर जहां राज्य भी इसमें इन्वॉल्वेंस उस कानून से हो रहा होगा, तो वहां पर ये चीजें आपको देखने को मिले, मतलब देखने को मिलेंगी कि राज्य का अनुसमर्थन वहां पर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी मोटी मोटी बात रही। चलिए आइए कनाडा की बात। अत्यंत कठोर भारतीय संविधान निर्माता विश्व के संघीय संविधानों के संचालन की भारतीय संविधान निर्माता विश्व के संघात्मक संविधानों के संचालन की संघात्मक संविधानों के संचालन की कठिनाइयों से पूर्णतः अवगत है। परिणाम स्वरूप उन्होंने संविधान संशोधन के लिए अधिक लचीले या कठोर से इतर, मतलब ना तो बहुत कठोर ना ही बहुत लचीला, से इतर एक मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। भारत का संविधान या भारत के संविधान के ऐसे कहते भारतीय संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है या संविधान संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। भारत में संविधान संशोधन की शक्ति संसद को प्रदान की गई है या दी गई है। राज्य विधानमंडलों को संविधान में संशोधन की शक्ति शक्ति का अधिकार नहीं दिया गया है संसद प्रस्तावना तथा मूल अधिकारों सहित भारतीय संविधान की प्रस्तावना इतना बड़ा लिखने से बेहतर है कि आप संक्षिप्त लिखने प्रस्तावना मूल अधिकार का मतलब लगाते हुए या तथा मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। किंतु संविधान के आधारभूत ढांचे परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे
ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकते। ये बात किस संविधान संशोधन के द्वारा कही गई थी? बेसिक स्ट्रक्चर परिवर्तन नहीं कर सकती है केशवाद भारती बनाम केरल राज्यवाद में बेसिक स्ट्रक्चर में कोई फेरबदल नहीं कर सकती केंद्र सरकार। हाँ 1973 के बाद में बताया गया था। सब करके हम लोग ये सब भी देखेंगे कहाँ क्या कहा गया है और कौन से आर्टिकल का क्या एजेंडा था संविधान संशोधन का। आगे चलिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 क्या लिखा? संविधान संशोधन 68 में संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति का प्रक्रिया और शक्ति का उल्लेख किया गया है या प्रदान की गई है ना। तो बात एक बात ध्यान रखना है कि संविधान में जो संशोधन करना है भाई ना, वो कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकती है। राज्य विधानमंडलों को अपने जो राष्ट्रपति के विषय में कानून और काम बनाने की उनके पास पावर है। संविधान में जो फेरबदल करने की जरूरत है वो संसद के पास है। और अगर मान लो राज्य को कोई सुधार कराना है तो वो किससे कहेंगे? राज्यसभा सदस्यों को कैसे कहेंगे? और राज्यसभा सदस्य यानी कि एक तरह से ये राष्ट्रपति को भेजेंगे, राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा तो राष्ट्रपति महोदय संसद को फिर देंगे और फिर संसद उसके लिए कानून बना देंगे। मतलब वो खुद नहीं कर सकते हैं, वो रिकमेंड कर सकते हैं कि आप कानून बना दीजिए, है ना। जैसे मान लो आप लोगों को एक तरह से समझ लीजिए आप लोग राज्य हैं, तो क्या होगा कि आप अपनी बात को उच्चासीन अधिकारी तक पहुंचाएंगे कि साहब ऐसा है कि ये चीज दिक्कत है, तो आप लोग इसका नियम बना दीजिए कि क्लासेज ये चलेंगी या इस तरह के सब्जेक्ट चलेंगे, जो भी चीजें हैं। तो आप नहीं इसको बदल सकते हैं, आप अपने उच्चासीन लोगों को मैसेज करेंगे तो संसद उस पर कानून बना देगी, भाई ये बना दो। समझ गए बात को? बस इतना दिमाग में हमेशा रखना, राज्य को शक्ति नहीं है संविधान संशोधन की, ठीक है, केंद्र को शक्ति दी गई है। चलिए, शक्ति और प्रक्रिया या प्रक्रिया और शक्ति दी गई है या उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन के लिए तीन प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। संविधान संशोधन के लिए तीन प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। ये प्रक्रिया आप लिख लें यहां पे, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन लिख सकते हैं आप इसको, या साधारण बहुमत से संशोधन, साधारण बहुमत से संशोधन या साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, ये तीनों लिख लीजिए। पर इसके बाद दूसरा विशेष बहुमत से संशोधन या विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और तीसरा विशेष बहुमत तथा या और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा या से संशोधन। ये तो तीन प्रक्रिया हुई जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। अब चलिए कि एक एक को डिटेल कर लेते हैं कि साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कैसे होता है और क्या इसकी विधि है। एक एक की डिटेल करिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन या से संशोधन, हेडिंग भी कर सकते हैं या बिना हेडिंग के ही आप कंटिन्यू इसे कर सकते हैं। करिए, संविधान के कुछ उपबंधों में, संविधान के कुछ उपबंधों में संसद साधारण बहुमत से विधेयक पारित कर संशोधन कर सकती हैं। साधारण बहुमत से आशय या तात्पर्य
सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले से तात्पर्य साधारण लोगों से तात्पर्य सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से है यह संविधान संशोधन की सबसे सरल प्रक्रिया है बच्चों एक चीज देख लीजिए यहाँ पर बार बार सदन में आएगा कि बहुमत आधे से अधिक उपस्थित और ये वो ऐसे तमाम सारे शब्द आएंगे तो जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते हैं वो एक बार थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए कि देखो बदल मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको कि संसद ही संविधान संशोधन कर सकती है तो संसद जब करेगी तो संसद बनती किससे किससे है लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनती है ठीक तो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनती है और बहुमत उसको चाहिए तो इसी सदन में चाहिए लोकसभा में अगर है तो लोकसभा से चाहिए और राज्यसभा में है तो राज्यसभा से चाहिए तो अब इसका मतलब बहुमत होगा क्या कि तो पहले आप सदन के सदस्यों की संख्या जाने तो सदन के सदस्यों की संख्या लोकसभा में 550 वर्तमान समय में रह गई है ठीक अधिकतम है ना 52 थी समाप्त कर दिया गया समाप्त कर दिया गया तो 550 आप समझ गए ठीक है और हमारे यहाँ क्या है राज्यसभा में 552 हुआ करती थी 252 जो कि अभी रह गई कितना 250 हो गई है ठीक ये सदस्य हम बात कर रहे हैं साधारण बहुमत का अगर बात हो रही है साधारण बहुमत तो इसका आशय होता है बच्चों साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस एक ये होता है 50% प्लस एक का क्या मतलब है अगर देखो किसी सदन में है तो मान लो लोकसभा में है जैसे आपने देखा था 63वां 64वां 65वां संविधान संशोधन राजीव गांधी जी लेकर के आए थे जो कि पारित नहीं करा पाए थे फिर 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ जो कि पारित किया गया अभी रिसेंट आप पढ़ के आए तो उस नाते मैंने उसका उदाहरण दे दिया आपको अब देखिए क्या है 550 सदन है बेटा तो इसका आधा कितना होगा 250 मतलब 500 का 250 होगा और 50 का 25 होगा तो 275 हो जाएगा आधा है ना ये आधा हुआ ना बेटा ये तो ये आधा जब हुआ तो आधे का मतलब हो गया ये 50% ये हुआ 50% मैंने लेकिन यहाँ बताया है 50% + 1 तो इसका मतलब हुआ कि 50% 275 हुआ तो एक मतलब एक ज्यादा हो जाएगा तो यानी कि यहाँ पर एक और जोड़ना पड़ेगा तो 200 कितना हो गया 75 बराबर क्या 276 हुआ तो 50% प्लस एक मतलब है 276 सदस्य इतनी बात समझ में आई अगर लोकसभा में गया सदन समझ आ रहा है बेटा जैसे कोई सदन है उसका आधा जैसे मान लो ये 100 लोगों का सदन है और यही लोकसभा है मान लो ऐसे 100 लोगों का सदन है तो आधा मतलब हो गए 50 लोग तो इसका मतलब अगर 50 सहमत है 50 असहमत है तो बराबरी है ना तो एक भी कोई अंक ज्यादा होना चाहिए चाहे असहमति का या सहमति का तो चूंकि पारित करना है कोई संशोधन तो सहमति वाला चाहिए यानी कि एक ज्यादा ही नहीं 51 हो जाए अगर 100 का सदन है तो 51 तो इसी तरह से जितने के भी सदन है जितने का भी सदन है चाहे वो 250 वाला सदन हो राज्यसभा का और चाहे 550 हो लोकसभा का तो आगे से एक अधिक का मतलब यही हो गया कि अगर कोई भी विधेयक पारित किया जाएगा बेटा साधारण बहुमत वाला तो इसका मतलब ये नहीं कि सदन में मान लो 300 लोग हैं 400 लोग हैं 400 लोग मान लो सदन में उपस्थित हैं लोकसभा में कोई साधारण विधेयक आया और उसमें से क्या आधे से एक अधिक लोगों ने कर दिया समर्थन मान लो आधे यानी कि जब 400 लोग सदन में उपस्थित होंगे तब उस समय आधे से एक अधिक का मतलब हो गया यानी 201 समझ रहे हैं तो 201 तब तो यानी कि सदन के आधे सदस्यों ने तो कर दिया भाई आधे से एक अधिक हो गया यानी 50% + 1 तो हो गया अब एक का मतलब कम से कम एक उससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है मतलब इतने तो होने ही होने चाहिए आधे से एक अधिक होने ही चाहिए बाकी कुछ भी अधिकता हो सकती है ठीक है मान लो अगर 100 लोग हैं यहाँ पर सहमत कम से कम 51 लोग हो सकता है 60 लोग हो तो भी चलेगा 70 हो तभी चलेगा 90 है तभी चलेगा 99 है तभी भी चलेगा 100 है तभी चलेगा मतलब कहने का मतलब कम से कम जो मानक है वो 51 का होना चाहिए
ठीक है। तो इसमें ये नहीं फ्लक्चुएट होना है कि 99 कर दिए सर तब तो ये वाला हो गया, नहीं ये वाला नहीं हुआ, वो हुआ साधारण वाला ही हुआ, ठीक है। लेकिन ये अलग बात है कि सभी सहमति है, तो ये वाला आपको ध्यान रखना है कि जितना जितने भी सदन के सदस्य होते हैं उसके आधे से अधिक। तो वहां पर देखिए अभी उपस्थित सदन लगा था, और इससे आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना, उपस्थित हो ना उपस्थित हो कुछ भी हो ऐसा नहीं करने की जरूरत है, बाकी आधे से अधिक होने चाहिए, हो पूरे सदन के सदस्य जितने हैं उनके मूल सदस्य उनसे एक अधिक होना चाहिए। अब देखो अब ऐसा है जब सरकार कोई साधारण विधेयक लेके आती है बेटा, तो उस दिन अगर जब पारित कराना होगा, मान लो साधारण लोगों ने कोई कानून लेके सरकार आई, तो जब उसको पारित कराना होगा तो इस बात का ध्यान जरूर रखेगी कि उस दिन कम से कम 276 लोग तो हो ही हो, चाहे उसी के पार्टी के 276 लोग हो सकते हैं समर्थन में। ऐसा नहीं हो सकता कभी कि सरकार 400 के सदन में लाए और उसके खुद के सदस्य 100 ना आए हो। मान लो कोई सरकार में है और 276 है तो सरकार में है वो निश्चित तौर से, अब पता चला संयोग से उसके 150 सदस्य नहीं है, अब उस दिन वो साधारण बहुमत वाला लेके आएगा नहीं लेके आएगा, क्योंकि उसको डाउट है कि विपक्ष वाले पता नहीं समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे, और ये कहते कि नहीं करेंगे करेंगे लाओ 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 तो भी नहीं लाएगा वो जिस दिन उसके सदन के सारे सदस्य मतलब बिल्कुल उपस्थित होंगे तभी उस दिन लेके आएगा, नहीं तो पता चला कहेगा लाओ लाओ उसे नहीं देंगे, तो क्या हो जाएगा उसका सरकार जो है मतलब सरकार की बिक्री हो जाएगी। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना है कि जब भी उसके 276 सदस्य हो जाएंगे लोकसभा में लाएगा तभी ही साधारण बहुमत को लेकर सरकार आएगी, ठीक है। इसी तरह से अगला जो होगा वो विशेष बहुमत वाला होगा। तो विशेष बहुमत मतलब होगा कि जितना सदन में उपस्थित सदस्य है उस दिन, जितना सदन में उपस्थित सदस्य है उस दिन वो होना चाहिए उसके 2/3 होने चाहिए, उसके 2/3, और वो 2/3 किसी भी कंडीशन में इससे कम नहीं होने चाहिए। ये 2/3 जो होगा वो किसी भी कंडीशन में 50% प्लस 1 से कम नहीं होगा, समझ रहे हैं बात को। जैसे मान लो यही मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, ये 100 सदस्यों का सदन है, ठीक। अब मैंने विशेष बहुमत का कोई कानून ले आए सदन में आ गया विशेष बहुमत वाला कानून, अब इसके लिए क्या कंडीशन होगी। अब आप कहेंगे साहब 50% प्लस 1 वाला, तो 50% 1 वाला मतलब 51 लोग हो गए तब भी हमारा पारित हो गया, लेकिन ये वाला 51 वाला नहीं है, संयोग से उस दिन सदन में 99 लोग उपस्थित हैं, या मैं 100 का आंकड़ा लेके चलता हूँ 100 लोग उपस्थित हैं, सदन है सदन पूरा पूरा आया है कोई सदन में उपस्थित नहीं है और विशेष बहुमत वाला है, तब उस स्थिति में हमारा क्या होना चाहिए। मैंने यहाँ एक शब्द लिखा है कि 2/3 कभी भी 50% से कम नहीं होने चाहिए, तो उस दिन जिस दिन सदन में आ रहा है उसका 2/3 होना चाहिए, तो 2/3 होना चाहिए। मान लो 100 लोग हैं बेटा तो 50 मतलब उसका 2/3 जो हो जाएगा आप देखेंगे तो 33 99 मान लेते हैं तो 33 3 हो जाएगा 33 66 99 हो जाएगा, तो 2/3 यानी कि 66 प्लस सदस्य हमारे पास, अगर मान लो 100 आए हैं तो 66 प्लस यानी 67 सदस्य लगभग हमारे समर्थन में होने चाहिए तब हमारा विशेष बहुमत वाला पारित हो रहा था, और वो जो 66 हो जाएंगे वो क्या होंगे 50% से तो ज्यादा ही है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान समझिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2/3 मान लो हमारे सदस्य आए 99, ठीक। अब 99 सदस्य आए या ऐसे और कम आंकड़े लेके चलिए, मान लो उस दिन हमारे 70 सदस्य उपस्थित हुए, अब सब आंकड़ा इस तरह से लेना चाह रहा हूं जिससे सीधे एग्जैक्ट आपको समझ में आ जाए। अब तीन हिस्से में बांटना है, मान लो आपने ले लिया कि 60 सदस्य ले लीजिए, 60 सदस्य में उपस्थित हैं, 60 में से आपने कहा क्या 20 40 लोग हो गए यानी 2/3 लोग समर्थन में हो गए, 40 दिन सदन में सदस्य कुल टोटल 60 सदस्य थे जिसमें से 40 ने समर्थन कर दिया तो 40 को 2/3 हो गया उस दिन का, 20 60 होता है तो 2/3 तो हो गया, लेकिन वो 2/3 जो 40 था वो क्या है 50% से कम है ना, यानी कि 51 सदस्य कम है तो नहीं पाए। तो इसमें वो भी इसका ध्यान रखते हैं कि सदन में जब भी आता है सदन जो लेकर के आता है जो गवर्नमेंट रहती है वो उस बात का ध्यान रखती है कि सदन से पारित हो जाए, और पारित होने के लिए वो पूरी प्लानिंग के साथ अपना कार्य करते हैं कि जिससे पारित हो। तो थोड़ा इसका यही बस समझना है कि क्या है कैसे है, किसी भी कंडीशन में 50% प्लस 1 का मतलब है कि पूरा जितना सदन है आधे से एक ज्यादा, कम से कम नहीं ज्यादा, आधे से ज्यादा कह सकते हैं एक ज्यादा भी कह सकते हैं जो आपको आसान लगे, जो आप समझ पाए एक ज्यादा या मतलब ज्यादा होना चाहिए तो ज्यादा में एक भी ज्यादा है और लोग भी है तो भी ज्यादा है, ठीक। तो यही और दूसरे वाले में विशेष बहुमत था उसमें क्या है आधे से ज्यादा किसी भी कंडीशन में 2/3 50% प्लस 1 से कम नहीं होगा,
और इसमें क्या होगा, यही सेम होगा, दो तिहाई वाला ही होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि आधे से अधिक राज्यों की सहमति हो जाएगी। बस इतना सा है, आगे लिखते हैं और समझते हैं, चलते हैं। क्या लिखा आप लोगों ने दोस्तों, साधा बहुमत से आशय या तात्पर्य है कि सदन में उपस्थित व मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से है। यह संविधान संशोधन की सबसे सरल प्रक्रिया है, किंतु इसके द्वारा किए गए संशोधनों को अनुच्छेद 368 के अर्थों में संविधान संशोधन नहीं माना जाता। संविधान संशोधन की सबसे सरल प्रक्रिया है, किंतु इसके द्वारा किए गए संशोधनों को 368 के अर्थों में संविधान संशोधन नहीं माना जाता। यद्यपि इसके द्वारा संविधान के कुछ उपबंधों में परिवर्तन किया जाता है, यह संविधान संशोधन साधारण विधि के समान होता है, यानी साधारण कानून के समान होता है। कौन से उपबंध साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकेंगे, यह संबंधित अनुच्छेद या अनुसूची में ही बताया गया है, अब देखो कोई भी आर्टिकल तो होगा ना भाई, वो दिया होगा उसी में कि भाई ये कौन वाला है, कैसे आप कर सकते हैं इसको, सुधार इसमें कैसे हो सकता है, तो कहेगा वो अनुच्छेद बता देगा कि ये साधारण विधि से परिवर्तित करने वाला कानून है। ये अनुसूची अगर में कोई परिवर्तन की बात होगी तो बता देगा, जैसे मान लो संघ, अभी आपने रिसेंट अभी कल पढ़ा, उसमें देखा क्या नगर पालिकाओं के बारे में, और उसमें देखा कि वो आर्टिकल वहीं पे लिख दिया जाएगा उसके बारे में कि भाई देखिए अनुसूची 12 में वही लिख दिया जाएगा कि साहब ये साधारण बहुमत वाला नहीं है, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के समर्थन वाला है, ठीक। तो ये चीज हो जाएगी, आपको वही अनुच्छेद ही बता देगा कि कौन से वाला है। अब देखो इसको क्या माना जाता है, साधारण बहुमत से जो संविधान संशोधन किया जाता है उसके उसको एक्चुअल में संविधान संशोधन नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, कि देखो जब भी कोई सरकार बनेगी ना भाई, तो हमेशा वो उतने बहुमत वाली होगी ही, उतने बहुमत से तो बनेगी। ये साधारण कानून, यानी कि जो सरकार में आए, कोई भी सरकार बदलती रहती है हर 5 साल में, अगर देखा जाए कॉमन तौर पर, अगर देखे जनरली सरकार बदलती रहती है 5 साल, कोई 10 साल रहेगी, कोई 20 साल रहेगी, उसके बाद बदलती है सरकार। तो वो कुछ सरकार जब आएगी तो कुछ कॉमन एजेंडे उसके होते हैं जिनमें वो सरकार आते ही परिवर्तन कर सकती है। अगर वो प्रोमिसेस लेकर के आई है कि भाई हम ये वादा करते हैं आपसे, हम आते ही ये कर देंगे, तो कौन से वाले का वादा करेंगे जो आते ही कर देंगे,
साधारण बहुमत वाला। अब मान लो हमको कहना है कि जम्मू एंड कश्मीर में हम आरटी 370 फिर से लगा देंगे, 35 फिर से लगा देंगे, तो अब हम जब मांग रहे हैं जनता से तो हम कह रहे हैं भाई हमको देखो ये वाला समर्थन नहीं चाहिए, 276 सीटें हमको नहीं चाहिए, हमको पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए, हमको कितनी वाली सरकार चाहिए, 300 प्लस वाला एजेंडा चाहिए हमको, तब हम 370 पुनः ला पाएंगे, 35 फिर से लगा पाएंगे। क्या समझ में आ रही बात? यानी कि क्यों? क्योंकि वो प्रोमिसेस पूरे ही नहीं हो पाएंगे साधारण बहुमत से। इस साथ सरकार कहती है जब मोदी जी सत्ता में थे 14 के चुनाव के बाद से पहली सरकार थी, उसी बार उन्होंने कहा कि राज्य में आप समर्थन दीजिए, और इस तरह के बहुत सारे वादों के साथ था कि हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, तो उसके बाद परिवर्तन भी किया गया सरकार के द्वारा, समझ रहे बात को। तो सरकार जब ज्यादा बहुमत में रहेगी, यानी कि पूर्ण बहुमत, एक होता है बहुमत जो कि 276 का है, और एक होता है पूर्ण बहुमत, यानी कि हमारी सीटें 300 प्लस 400 के करीब हमारी सीटें, तो यानी कि हम दोनों वाला कानून धड़ाधड़ पारित करेंगे। जो विपक्ष वाला का हमको दिखाए नहीं, हमको पढ़ाए नहीं, हमको समझाए नहीं, कहता रहता है ना सरकार आई, सरकार डिक्टेटर हो गई, अपने मन की हो गई, मनपढ़ हो गई है सरकार, सरकार ने चर्चा करना उचित नहीं समझा और अनुचित समझा, ये कर दिया वो कर दिया, हमको लाए नहीं, हम कहते रह गए, इन्होंने इसमें चर्चा नहीं कराई, यही सब बात कहते हैं सदन में। तो वो कहता है हम क्यों कराएं चर्चा, क्योंकि हम ये वाले हैं ना भाई, हम तो 300 प्लस वाले हैं, इसी नाते मोदी जी या योगी जी का जो है इस बार 500 प्लस कौवाला लेकर के आते हैं ना, तो वो प्रोमिसेस आप इसको संविधान संशोधन से जोड़ के देखिए, यानी कुछ भी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, मतलब जो जो वादा किए सब पूरा कर देंगे, बस अगर तुम लोग हमको क्या कर दो 500 प्लस में कर दो भाई, यानी ये जनता की बात हो रही है। और जनता जब पूर्ण बहुमत के साथ बनाती है, और तब जनता क्यों गुस्सा करती है कि यार मतलब हम पूर्ण बहुमत से तुमको बनाए थे, मतलब चाहते तो सब बदल देते, राज्य में भी तुम्हारी सरकार सब बनवा दिए, और उसके बाद तुम रोना हो, रो रहे हो बैठ के, जैसे सरकार क्या होगी ना कि जैसे मान लो उनका 15-16-17 राज्यों में, जैसे इसमें भाजपा क्या होता है, देखिए टीवी पे जब देखते हैं आप तो दिखाता है क्या कि कांग्रेस को अपनी साख बचाने की जरूरत है, मात्र 3 राज्यों में बचे हुए हैं, ये गायब हो जाएंगे पटल से, ये सब धरातल दिखाता है, फिर दिखा देगा पूरा मैप दिखाएगा, भगवा भगवा हो गया, बीच में एक आदमी की गिरी बना हुआ है कांग्रेस, ये भी चला जाता तो पूरा भगवा हो जाता, कुछ इस तरह का जो स्टेटमेंट आपको दिखाता है मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं। तो वहां पर यही होता है कि साहब पूरी पूर्ण बहुमत में है, अब जो भी वादे करेंगे पूरे करेंगे, जैसे हमारे आपके अभिभावक कहते रहते हैं ना कि बस सैलरी मिलने दो, नौकरी मिलने दो, ये करने दो, उसके बाद तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी। अब पता चला आए तो उनके पास ख्वाहिश पूरा करे जूता खरीदे, मोजा पैसे नहीं है, तो वादा कोई बात नहीं, अगली बार मोजा भी खरीद देंगे। अब क्या हुआ कि नहीं पता चला, लाइटें लगे पिताजी की, लो बेटा दो मोजा लो, दो जूता लो, एक स्पोर्ट वाला भी लो और एक स्कूल वाला भी लो, है वो इसका मतलब हो गया, यानी कि धन पूर्ण रूप से आ गया। उसी तरह से कोई कानून संशोधन परिवर्तन की बात होती है, अब उसमें देखिए हमेशा एजेंडे में आता है ना सरकार क्या कहती है, मोदी है तो मुमकिन है, इसका मतलब क्या होता है कहने का, 370 हमने खत्म किया, मतलब इसका मतलब हम पूर्ण बहुमत में जो थे तो किया, हमने राम मंदिर का निर्माण किया तो हम पूर्ण बहुमत थे, कुछ ऐसे कानून थे जिनको पूर्ण बहुमत के बिना किया ही नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है, चाहे रो रो के नहीं काम कर पाएंगे, सदन में लाएंगे तो विपक्षी लोग राजीव गांधी के साथ आपने बताइए उसमें क्या हुआ, अरे रहने दो यार, तो 370 जैसे खत्म किया गया, या आपको पंचायतों के लिए कानून बनाया गया, या बनाया गया नगर पालिका के लिए कानून बनाया गया, तो सरकार क्या होती है जब पूर्ण बहुमत में होती है बच्चों तभी कोई कार्य कर पाती है। तो इस नाते जनरली क्या होता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार जो होती है अपने प्रोमिसेस को पूरा कर पाती है, वादों को पूरा कर पाती है, जैसे मैंने आर्थिक रूप से इसको जोड़ के आपको बताया वही सेम कंडीशन होती है कि क्या क्या परिवर्तन करे, जैसे बहुत सारा परिवर्तन करने की जरूरत, कोई देखिए राज्य है और राज्य में क्या होता है, राज्य जो सरकार बनती है वो अस्थायी कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है, और जो लोक सेवक होते हैं यानी कि जितने भी आईएएस आईपीएस हैं राज्यों में पीसीएस और केंद्र में आईएएस, ये क्या होते हैं अस्थायी कार्यपालक होते हैं। अब जो अस्थायी कार्यपालक होते हैं इनको डांटते हैं कि अब तक ये करते थे चल नहीं पाएगा, जैसे देखिए योगी जी महाराज जब पुलिस वालों या कप्तानों की मीटिंग लेते हैं तो कहते हैं चल नहीं पाएगा, देखो हमारे साथ सुधर जाओ तुम लोग, तुम्हारे यहाँ क्राइम का रिपोर्ट बढ़ गया, किसी बच्ची के साथ अनियमितता कार्य हो गया समझ लेना, तुम्हारी नौकरी ले लेंगे हम, तुम्हारी वर्दी छीन लेंगे हम, मतलब इस तरह का जो भी है, यानी चूंकि वो भी कार्यपालक उस रूप में रहते हैं, तुम्हारी नौकरी नहीं बख्शी जाएगी तुम, मतलब समझ लेना, मतलब तो आदमी डरता है उसमें
मॉनिटर्स, जैसे क्लास के मॉनिटर को क्या कहा जाता है, पहले आप लोगों को बचपन में पढ़ा होगा मॉनिटर को कहा जाता है, अगर ये बोर्ड साफ नहीं हुआ और क्लास में किसी ने शोर किया समझ लेना तुमको मारे जाओगे, मॉनिटर तुम्हें मारे जाओगे। तो मॉनिटर क्या करता है तुरंत दो लोगों को डिक्ट कर देता है, तुम दोनों लोग आगे वाले साफ करोगे सोमवार को और तुम दोनों पीछे मंगलवार को। वो क्या करता है अभी दादागिरी से दिखाता है वो, और नहीं साफ होगा तो कहीं मॉनिटर को उन्हें खड़ा करके दो डंडा मारेंगे। तो इससे पहले मॉनिटर को मार खाते आपने नहीं देखा होगा, जनरली मार नहीं खाता मॉनिटर, क्यों बहुत लिप्तल होता है तभी मारा जाता है, वो करवा देता है काम तुरंत उछवा के जेस्टर साफ, पेन पेंसिल जैसा है पेन है तुरंत लेके खड़ा दो चार और पेन जेस्टर के साथ। तो वो जो मॉनिटर की स्थिति होती थी वही जनपदों में आईएएस और आईपीएस की स्थिति होती है कि जब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ऐसे लोग जब पहुंचते हैं तो बताते हैं साहब हमारे यहाँ व्यवस्था सब चाक चौबंद है, दौड़ते हुए बिल्कुल जाएंगे। और देखिए अक्सर आते होंगे आप अधिकारियों को देखते होंगे कि सड़कें बन जाती हैं, नेताजी जिस रास्ते से सड़कें बन जाएंगी, अभी आपका मान लो ग्राम गड्ढा है और मुख्यमंत्री महोदय का प्रोग्राम हो जाए, अभी देखो रात में लाके मिट्टी की पार्टी उसको बराबर कर देंगे, रोलर चल जाएगा रात में ही। अब उसमें क्या है, अब ये माना जाता है साफ सब साफ है एकदम, कहीं कुछ आपको गंदगी साफ मतलब गड़बड़ कुछ कहीं नहीं दिखेगा। इसका यही मतलब हुआ कि मतलब हम कार्य के लिए जो कार्यपालक होते हैं अस्थायी कार्यपालक, वो कार्यों को सही रूप से संचालित कराने का कार्य करते हैं। डर इस आधार पर होता है कि बदल देंगे तुम, मॉनिटर तुरंत बदल दिया जाएगा, है ना। मॉनिटर जैसे होता है क्लास में सेम यही स्थिति होती है थानेदारों की, थानेदारों के माध्यम से वो पढ़े जाएंगे तो फिर हो जाएगा क्लास टीचर की, है ना। अब जैसे क्लास टीचर होते हैं, क्लास टीचर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ना, एक क्लास में हर आठ पीरियड है तो आठ टीचर आएंगे और उसके बाद में एक क्लास टीचर नियुक्त कर दिए जाते हैं। अब क्लास टीचर का मतलब क्या है, जिस जिस क्लास के क्लास टीचर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि देखिए मॉनिटर क्लास के जो टीचर पढ़ा रहे सब्जेक्टिव टीचर और एक क्लास टीचर होते हैं। तो क्लास टीचर की अवधारणा क्या होती है मॉनिटर की, मॉनिटर की क्या है, जब क्लास चल रहा हो किसी सब्जेक्ट का, मान लो इंग्लिश है मैथ है और कोई सब्जेक्ट है, उसमें का जो सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो उपयोगी चीजें हैं जैसे चाक है डस्टर है या मूलभूत और चीजें हैं, क्लास में शोर अनुशासन में टीचर को प्रिंसिपल साहब ने बुला लिया या कोई पर्सनल काम से सर दो मिनट के लिए गए तो पता चला कूदना फांदना शुरू, तो मॉनिटर का क्या करेगा, नाम मत देखे रहेगा, कूदे थे सर आते कौन था, मॉनिटर कहेगा सर ये थे, उनको प्रसाद मिला तुरंत अगली बार से फिर वो नहीं बोलेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाता है, उसका काम हो जाता है बहुत ठीक। अब पता चला कि इंग्लिश का सिलेबस खत्म हो गया, अंग्रेजी भी बचा, मैथ बचा हुआ है, हिंदी आधा दो चैप्टर बचा हुआ है, मतलब इस तरह सब्जेक्ट है, तो क्लास टीचर का काम यह है कि सारे सब्जेक्ट पूरे हुए कि नहीं हुए, फिर उसके बाद में रिविजन क्लासेस चली कि नहीं हुई। अब वो अलग बात है कि जो स्कूल की व्यवस्था आपने जहां देखा हो वहां व्यवस्था धरी ध्वस्त थी, ऐसा कुछ नहीं दिखा, लेकिन है परंपरा यही, वही जनपदों में है थानों में है, ये हमारा व्यवहारिक। तो जो कार्यपालक होते हैं नेता मंत्री से हमेशा ये डरता इस नाते है, जब गलत करता है तब डरता है। लेकिन आपने गंगा जल जैसे दबंग भी देखा होगा, उसमें दबंग जैसा वो भी चूंकि वो गलत नहीं रहते तो डरते नहीं, जी देख लीजिए उन्होंने कहा एसपी देख लेंगे तुमको, देख लेना साहब उसमें क्या दिक्कत लगी है, देख लेना जब गोतवाल है वही देख लेना। तो मतलब उसको ये लगता है कि वो हम पंक्चुअल है सही है, क्या करोगे आप हमारा, लेकिन फिर भी उनके पास पावर होती है, सही होने पर भी वो चाहे कि अब नहीं हम आपके काम से बहुत संतुष्ट नहीं है तो वो आपको स्थानांतरित कर सकते। तो ये सब चीजें होती, यही पूरी सिस्टम व्यवस्था हमारे यहाँ चलती रहती है। आइए लेकिन ये भी है कि कोई भी प्रधानमंत्री जाए कोई भी मुख्यमंत्री जाए, कुछ लोग होते हैं क्या एकदम कहते हैं बहुत जड़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं, सस्पेंड हो जाएंगे बर्खास्त हो जाएंगे चले जाएंगे लेकिन काम नहीं झुकेंगे वहां पर, तो वो वाली हालत होती है जैसे कहते हैं ना कि क्या करेंगे आप, लेकिन जब तक कर रहे हैं जैसे न्यायपालिका क्या कह देती है, न्यायपालिका वार्निंग दे देती है कि सुधर जाओ नेक्स्ट टाइम तुम्हारे खिलाफ कुछ आया तो फिर समझ लेना, तो तब तक नहीं सुधरते हैं जब तक न्यायपालिका आदेश ना दे उसको गिरफ्तार करके लाओ तुरंत उसको घर। आपने सुना होगा न्यायपालिका के माध्यम से कि फलाना दरोगा के नाम से न्यायालय ने जारी किया वारंट, अब जब गिरफ्तारी वारंट जारी हो जाता है तो अपने आप जहन्नम में हो चला आता है और कहेगा आप तो समर्पण, मतलब आएगा कहेगा साहब हम न्यायपालिका उपस्थित। तो अब इसका ये मतलब होता है न्यायपालिका के अभी तक कहां थे, जब बुला रहे थे तुमको तो नहीं आ पा रहे थे, जब कहा पुलिस पकड़ के लाओ उसको
ऐसे ऐसे होते हैं अधिकारी, ऐसे एसपी को न्यायपालिका आदेश करते रहे। एसपी फरुखाबाद जो उस समय थे आए न्यायालय में उपस्थित हूँ, तो एसपी से लोड है नहीं लेते थे। अरे देख लो, हाँ ठीक है लगा दो। उसके बाद जब न्यायाधीश कोई बिगड़ जाता है उसी पे, कहेगा उनको गिरफ्तार करके लाओ। अब पता चला साहब आपके खिलाफ वारंट आ गया है, तुरंत अगले दिन पहुंच जाते हैं साहब यहाँ ऐसे ऐसे। पूछेगा क्यों नहीं तुम आए, तो न्यायाधीश को बताते हैं अपना कि श्रीमान ये था ऐसे ऐसे था, आदि मुख्यमंत्री महोदय का प्रधानमंत्री महोदय का प्रोग्राम चल रहा था, वरना मैं सुना था तुरंत आ जाता, लेकिन ये था तो इस नाते सिस्टम में हो जाता। अपना अपना एक्सक्यूज देंगे, अपना उदाहरण देंगे कि हमने गलत नहीं किया है, वैसा भी उपस्थित हो जाए, तो ये पूरी प्रक्रिया होती है, लेकिन ऐसा होता बहुत कम। आइए, यद्यपि इसके द्वारा संविधान के कुछ उपबंधों में परिवर्तन किया जा सकता है, या संविधान संशोधन साधारण विधि के समान होता है, और ये तो हो चुका है, कौन से उपबंध साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकेंगे, यह उपबंध अनुच्छेद या अनुसूची में ही बताया गया होता है। ठीक है, साधारण बहुमत से संशोधन किए जाने वाले कुछ उपबंध निम्न है, कुछ उपबंध निम्नलिखित है या निम्न है, जैसे जैसे फटाफट पढ़ा लिखते चले जाइएगा, जैसे संघ में नए राज्यों का प्रवेश, संघ में नए राज्यों का प्रवेश कराना है तो उसको क्या किया जाएगा, साधारण बहुमत वाले कानून से पढ़ लिया जाएगा। ये आर्टिकल दो में है बेटा, अनुच्छेद दो में, दूसरा है अनुच्छेद तीन में होगा। इसमें क्या होगा, नए राज्यों का निर्माण करना है, वर्तमान राज्य के क्षेत्र में बदलना है, नाम बदलना है, लिखते जाओ, नए राज्यों का निर्माण दूसरे पॉइंट में बेटा, नए राज्यों का निर्माण कामा वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र नाम या सीमा में परिवर्तन, ये अनुच्छेद तीन, मतलब ये बात जो बताई गई है अनुच्छेद तीन में कही गई, सब पढ़े आप लोग। ठीक, अगला पॉइंट है नागरिकता, नागरिकता से संबंधित प्रावधान, तीसरा बेटा नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस आर्टिकल में दोस्तों, 11 आर्टिकल 11, यानी नागरिकता संबंधित कोई सुधार सरकार करना चाहती है तो तुरंत साधारण बहुमत द्वारा लेके आएगी। इसे उसने कहा, अगर मान लो आप सरकार में हैं, केंद्र सरकार का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप एजेंडे में कह देंगे सारे शरणार्थियों को जो 5 साल से ज्यादा रह गए हैं उनको हम नागरिकता दे देंगे, तो ये वादा कर क्या पा सकते हैं, क्यों किस नाते वादा कर सकते हैं, क्योंकि साधारण बहुमत वाला है। लेकिन अगर कोई वादा ऐसा कर दिया जो आगे पढ़ाएंगे, अभी हम आर्टिकल 3 में है, मतलब जो विशेष बहुमत वाला है, तो उसके लिए फिर वो सरकार से अपना वादा मांगेंगे। चलिए, तो ये हो गया राज्यों से संबंधित प्रावधान, नागरिकता से संबंधित प्रावधान। चलिए अगला है, जैसे अब राज्यों में अगर वादा कर दिए, मान लो केंद्र सरकार चुनाव कर लिए और हम राज्य में उत्तर प्रदेश में आए, तो उत्तर प्रदेश में तो पहले विधानसभा विधान परिषद है। मान लो किसी ऐसे राज्य में जाओ जहां विधान परिषद विधानसभा नहीं है, मान लो असम के चुनाव में चले गए, ठीक, किसी और राज्य में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, तो आपने क्या कहा, आएंगे तो विधान परिषद बनाएंगे कि हमको चुनाव लड़ाइए, हम विधान परिषद आपके यहां करा देंगे, हो जाएगा, हाँ ये भी साधारण बहुमत वाला है। चलिए, राज्यों में विधान परिषद का सृजन या समापन, राज्यों में विधान परिषद का सृजन या समापन किस आर्टिकल में बताएगा, विधान परिषद सृजन समापन पढ़ाए हैं, 16, चलो बता दीजिए इसके आगे बता दो, 169, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 169 बेटा, 169 में क्या है, राज्यों में विधान परिषद का सृजन और समापन के लिए है। आगे है बेटा, संघराज क्षेत्रों के लिए विधानमंडल, संघराज क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषदों का सृजन, संघराज क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषदों का सृजन, यह आर्टिकल है 239 का, आर्टिकल
ठीक। आगे दोस्तों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये आपका 243 का था, लिखा ना, किसी माध्यम से याद भी कर दीजिएगा दोस्तों, इस आर्टिकल रिवीजन भी हो जाएगा आपका। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न्यायाधीश आदि के वेतन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न्यायाधीशों आदि के वेतन एवं भत्ते, ये किस अनुसूची में है? अनुसूची दो लिख दीजिए, लिख लीजिए दोस्तों, वहां से अनुसूची दो, इसमें भी आएंगे तो राष्ट्रपति का वेतन हम 10 लाख कर देंगे, वादा करके आ सकते हैं। हालांकि ये सब वादा करने वाली चीज नहीं है, क्योंकि इससे गुस्सा जाएगी जनता, जनता गुस्सा जाएगी ना, जनता को तो क्या चाहिए, आएंगे तो हम क्या करेंगे, रेवड़ी बांटेंगे। रेवड़ी वाला चल रहा था ना पिछड़ा मुद्दा, कोर्ट में मैटर भी गया था केजरीवाल, हम आएंगे तो क्या क्या बांटेंगे आप लोगों को, अब लोग अगर सरकार में आ जाएंगे तो क्या करेंगे आप लोग, क्या बांटेंगे, 15 तारीख का राशन बांटेंगे, पैसा बांटेंगे, अरे कुछ ज्ञान बांटो, जैसे विज्ञान और रुपया लेकर क्या करोगे, खत्म हो जाएगा, मान लो कोई आदमी ड्रगिस्ट हो जा करके क्या हुआ जब कांग्रेस सरकार बनी थी, तो क्या हुआ, नाथुराम गोडसे ने क्या कर दिया था भाई, क्यों गलत बांट दिया, क्या किया था उन्होंने, देखिए गांधी जी को विद्यार्थी है, रुपया किसी समस्या का समाधान नहीं है। मान लो अभी मैं इसमें से 1-1 लाख रुपए सबको दे दूं, सब लोग अलग अलग तरीके से अपना काम करेंगे, वो बात नहीं, अभी मान लो आप लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय 10-10 हजार रुपया देते, कहने लो ले जाओ एप्पल का मोबाइल खरीदो और पढ़ो, तो क्या करेंगे लोग, गुल्लक बढ़ा देंगे और गुल्लक से कहेंगे भैया डबल कर देना, ये कर देंगे कुछ लोग, कुछ लोग मोबाइल वोबाइल नहीं खरीदे कुछ और खरीद लेंगे, कुछ लोग जूता मोजा खरीदने चले आएंगे, वो कहेंगे 5 हजार का जूता खरीदे, कुछ लोग कहने टोपी खरीदेंगे, मतलब कपड़ा खरीदेंगे, कुछ और खरीदेंगे, लेकिन वो अब जिस मुद्दे जिसे दिया जाएगा वो नहीं खरीदेंगे। सरकारें क्यों लैपटॉप आप लोगों को बांटती है, क्यों टैबलेट देती है, उनको पैसा दे देना चाहिए ना, जैसे मान लो आपको सैमसंग के व्यवहार की बात समझिए, आप पैसे की बात कर रहा हूँ, समझिएगा कि मान लो आपने कहा कि अरे सर कोई जरूरी है सैमसंग का मोबाइल दीजिए, सरकार सैमसंग देती है ना, अच्छा ब्रांड का मोबाइल देती है, आपको टैबलेट देती है सरकार जिसकी कीमत लगभग 15-20 हजार के आसपास की होती है, तो आपने कहा कि साहब क्या करते हैं रेडमी हम खरीद लें, वही चीज 8 हजार में मिलेगा, तो आपको 20 हजार अकाउंट में भेज दीजिए, 10 हजार रुपये किताब का खरीद लेंगे और 10 हजार रुपये का उसमें खरीद लेंगे, वो भी 4 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, वो भी चलेगा, तो हम क्यों ना ले लें, तो बढ़िया बुद्धिमानी का सौदा हो जाएगा आपके लिए, 10 हजार और भी किसी विधि में आप काम कर लेंगे, लेकिन नहीं, सरकार की अपनी जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग करते हुए पैसा देगी तो भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, चीजें बिगड़ देंगे। पहले आप प्राइमरी स्कूलों से सीखिए, बेसिक में क्या करते हैं, पहले क्या करते थे, पैसा देते थे, फिर सुनकर जूता देने लगे खुद ही, फिर किताब पर पैसा देते थे, वो सरकार कितने दिनों से एक्सपेरिमेंट कर रही है कि आप उसको देखे, सरकार खुद कंफ्यूज हो जाती है, ये नहीं ठीक है, अगली बार कहे ये ठीक है, फिर कहेगी नहीं ये ठीक है, जैसे अकाउंट में बच्चे पैसा आया पिताजी निकाल करके क्या कर लिया, अपना थकान मिटा ली, पिताजी थकान मिटा के फिट हो गए, तो सरकार ने कहा नहीं गलत हो जा रहा है, सरकार ने कहा नहीं जूता मोजा सब देंगे, यहीं से कपड़ा तक देंगे, यहाँ पे शर्ट भी देंगे स्वेटर भी देंगे, अब पता चला कि कुछ लोगों का स्वेटर कपड़ा आया तो पता चला बच्चे को 3 साल के बच्चे को 7 साल वाला दे दिए, वो बाप मोड़ने के बाद में भी चार फोड़ के बाद में भी उसका बाहर निकला हुआ है, जूते का नंबर आ गया तो पटाख नंबर आ गया, तो सरकार ने फिर कहा कि नहीं बहुत गड़बड़ हो जा रहा है, तो ये व्यवस्था है सब दरी की दरी रह जाती है, ये नहीं है सरकार का सिस्टम, इस तरह से नहीं है, नहीं चल पाएगा। चलिए मैं मार रही हूँ, बाकी शेष हम कल देखेंगे, थैंक यू।